करनाल इंद्री रोड पर गांव धरड़ के रहने वाले 34 वर्षीय प्रदीप की अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा टक्कर मार देने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी इंद्री रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले मृतक का भाई वहां पहुंच चुका था। उसने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार साइकिल पर जा रहे प्रदीप को टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे में प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदीप अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। प्रदीप मेहनत मजदूरी का कार्य करता था। फिलहाल इस हादसे से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में पहुंचाया एवं आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें, अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई। क्या बात होगी माताजी प्रदीप के साथ? प्रदीप के साथ जी मारे के तो कोई मालूम नहीं, कोई क्या बात हुई क्या नहीं है। हमने तो लड़की का सगन लान जाना था, फोन कर रखे था भी आ जा, रात तो बात हुई जनेश रोस्ते, उसके बाद बात नहीं हुई। इस टाइम बात हुई रात रात 9 बजे। अच्छा, कहाँ गए हुए थे? जनेश रो ते दर्द आवा था जी। अच्छा, बाकी नहीं पता फिर क्या होया क्या नहीं। सुबह सूचना मिली है, दुखद समाचार। हमने तो अभी 9 बजे हम तो गड्डी गुड्डी में सामान लाद रखे थे, गुड़िया का सगन लान जावा था। हाँ, उसकी बहन जी का क्या खुशी का माहौल? मारे को खबर मिली लड़का गया यहाँ ते, किसी ने पुछाने उसकी चाची सास ने, इन्हें कहा अभी मारा जवाई आ जी, उनने लड़का भेजा भी इनके घर खबर करके, अभी ऐसे ऐसे करके बात होगी। हमने झूठ माननी भी नहीं, हो नहीं सकती ऐसी बात। फिर लड़के थे, मैंने चुप करा के मेरे को कल्ली को बोल दे क्या बना क्या होया, क्या लगा पोस्ट मॉडल की तरफ लेके गए और ख़त्म हो गया। अभी चलो हमने सारा सामान वापसी में गड्डी में उतार के उसी गड्डी में बैठ के हम यहाँ। खुशी का माहौल बनने वाला था लेकिन एक बार दुखद में बदल गया। हाँ जी, सोचा था कभी ऐसा? पड़ोसी के घर में उतार के आए सामान, गुड़िया का गरीब आदमी, छोटे छोटे दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रदीप के, ये बहन भी उनकी यही रहती है, भाई के पास ही इसी के पास रहती थी। बहन को भी सहारा था भाई का, भाई का भाई ना भाई ना बहन का सहारा था, सहारा था। छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसके भी छोटे छोटे बच्चे, बुआ का सहारो है, इसके भी छोटे ही हैं, उसके भी छोटे ही हैं। इनको बहन को भी ये सहारा था कि भाई है, छोटे बच्चे हैं, शादी कर देगा भाई के सहारे आई हुई। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से अपने भाई के पास? इन्हें तो हो गए जी 10-11 साल हो गए। 10-11 साल से अपने भाई के पास। हाँ जी। नेचर कैसा था प्रदीप का, कैसे थे? अच्छे थे जी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, अपने घर परिवार वाले हैं, माता उसकी बडेरी सी, बूढ़ी माता। हाँ, कुछ करन जोगी भी नहीं। अब बेसहारा हो गए सारे बच्चे, बहन हो गए। हाँ जी, बेसहारा हो गए, खाने की दिक्कत भी है। दिहाड़ी कमाता था, सब कुछ बहन करती थी, कुछ आप करते थे, परिवार पाल रहे थे, मिलजुल के। हाँ, मिलजुल के परिवार पाल रहे। कहाँ का रहने वाला था? दरड़। दरड़ का रहने। हाँ जी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा रानी। क्या हुआ प्रदीप के साथ? एक्सीडेंट ही हुआ इसमें। किस पे थे सवार प्रदीप? साइकिल पे। साइकिल पे था, किसने मार दिया टक्कर? भी ये नहीं पता मेरे को, पुलिस वाले बोल रहे अभी हम 5 बजे उठा के ले आए, इन्हें नहीं पता होगा। सुबह 5 बजे? हाँ। अच्छा, तो कब से गए हुए थे घर से प्रदीप? ये तो 7-8 दिन से बता रहे भी, जहाँ काम पे लगे रहता भी वहाँ से आने लग रहता। अच्छा, भी वहीं रहता था, तो सवेरे उन्होंने कहीं जाना था, घर आने लग रहे थे, इसलिए रात को। साइकिल पे सवार थे? साइकिल पे सवार। कितनी उम्र होगी लगभग? 35 साल उम्र की। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी। बूढ़ी माँ है? बिल्कुल। बहन भी उनके सहारे है? हाँ जी। सारे बेसहारा हो गए, खाने के लाले पड़ जाएंगे? बिल्कुल। कमाने वाला एक ही। आप लोगों को क्या सूचना मिली थी? हाँ जी, आप लोगों को क्या खबर मिली थी? जो आप मारे को तो यही मिले था, एक्सीडेंट हो रहा है भाई वहाँ पे समोरा गांव में, तो मारे को पता लगा भाई साइकिल पे, तो वही था, मैं चल देखते हैं जाके कौन है कौन नहीं, तो आगे जाके देखा साइकिल उसका वही है। फिर देखते देखते यहाँ पहुँचे, यहाँ से खबर मिली पुलिस वाले से भी, फोटो देख लो भी पहचान लोगे, फोटो देखी जी पहचाना भी, हमने बोला भाई वही है, तो फिर ऐसे पता लगा जी, फिर गाँव में फ़ोन करे, फिर आए यहाँ पे सारे। खुशी का माहौल बनने वाला था, कोई शगन वगैरह देने के लिए जाने लगे थे? हाँ जी। सोचा था कभी ऐसा खुशी के माहौल एकदम से माथा में बदल जाएगा? मैं पता नहीं। आप क्या लगते हो उनके? हाँ जी, मेरा मेरी जिज्जत है जी। क्या नाम है आपका? राहुल है जी। सर, कहाँ का मामला है और क्या बात हुई? ये गांव बीबीपुर समोरा के बीच एक स्कूल पड़ता है, सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, उसके सामने हुआ है ये। तो ये जो मृतक है प्रदीप कुमार, ये साइकिल पे अपने भूटान खेड़ी गाँव से अपने गाँव दर जा रहा था, तो रस्ते में
जो मैंने आपको बोला स्कूल के पास एक पीछे से मोटरसाइकिल सवार आया, उसने पीछे टक्कर मारी इसको। हाँ जी, तो पहचान हो चुकी है मोटरसाइकिल वाले की? बाइक नंबर मिला भी उसका। अच्छा, नंबर मिला। जी जी, कैमरे की वजह से? नहीं, कैमरे की वजह से नहीं, इसके भाई ने नोट कर लिया था। नोट कर, भाई पीछे चल सके। कितनी उम्र थी? प्रदीप था उनका नाम? मरने वाले प्रदीप है, करीब 36 साल है इसकी। 36 साल। जी, दर्द के रहने वाले थे? दर्द का रहने वाला है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? अभी कराएंगे पोस्टमार्टम, इसका एफ आई आर कर देंगे बस। जी, दर्द का रहने वाला। हाँ जी, ठीक है।